उसमें गलत क्या है? जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों कोटि रुपया करोड़ रुपया खर्चा किया गया, शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर खरीदकर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के दुश्मन कोई भी हो, एक ज़माने में हमने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी। आज कोई नया कांग्रेस वाला बन गया है उनका मुखौटा पहनकर, तो ज़रूर हम उनसे भी लड़ेंगे। हर राज्य के हर प्रांत के अपने अस्मिता और स्वाभिमान होता है, और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। आप उनके ऊपर अगर हमला कर देंगे, उनको ख़त्म कर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिवसेना ख़त्म नहीं होगी भाई। ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। क्या घर से बेघर हो जाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे का सियासी करियर अब खत्म हो गया है? क्या उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र से अब निकलना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी परिवर्तन हम देख रहे हैं। जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है, तब से शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई चल रही थी, और आखिरकार इस लड़ाई में एकनाथ शिंदे को बड़ी जीत मिल गई, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फैसला आया वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में आया। पार्टी के सिंबल को लेकर बात करें, पार्टी के नाम को लेकर बात करें, चुनाव चिन्ह को लेकर बात करें, वो सब एकनाथ शिंदे। हालांकि शिवसेना का अध्यक्ष तक एकनाथ शिंदे को बना दिया गया है। अब सवाल ये है कि शिवसेना भवन से भी क्या उद्धव ठाकरे को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे खास सहयोगी ऋतिक। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की हम शिंदे वर्सेस उद्धव की लड़ाई को देख रहे थे, क्या बीजेपी से टकराना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त रहा? सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से, उनकी सरकार गिरती है, उद्धव ठाकरे की किस तरीके से यहाँ पर CM कुर्सी चली जाती है, यानी कि जब से CM कुर्सी उनकी गई है तब से बड़ा झटका उनको लगातार लगता हुआ नज़र आ रहा है। लग रहा था कि चुनाव आयोग का फैसला कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खेमे में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष फैसला सुनाया, और यहाँ पर शिवसेना और शिवसेना के साथ साथ जो तीर कमान उनका जो एक चुनाव चिन्ह था वो भी एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। तो आप ये समझिए कि अब चुनाव आयोग पर सवाल कौन खड़ा कर रहा है? उद्धव ठाकरे, यानी कि निष्पक्षता के लिए जाना जाता है चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या CBI हो, ED हो, तमाम जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपनी निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार सामने आई है, तब से इन तमाम एजेंसियों पर, तमाम संस्थान पर सवाल खड़े जो है लगातार होने लगे, चाहे वो EVM का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, और चुनाव आयोग के इस फैसला से जो है खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं दलील पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा उस पर हम जो है निगाहें टिकाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को कोई अपना नया चुनाव चिन्ह के साथ नई पार्टी घोषित करना चाहिए, और ध्यान ये देना चाहिए कि कैसे यहाँ पर एकनाथ शिंदे को हरा सकते हैं, क्योंकि 2024 में फिर से विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे पर ये तंज कसते रहे या फिर एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग तमाम लोगों पर सवाल खड़े करते रहे तो इनकी हार पक्की है। इनके साथ खड़ा कौन है? संजय राउत इनके साथ खड़े हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ आ जाएंगे, लेकिन अब वो भी साथ नजर नहीं आ रहे। तो राहुल सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से CM कुर्सी चली गई, अगर उस CM कुर्सी को वापस लेना है तो उद्धव ठाकरे को सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जनता को लुभाने के लिए, जनता के समर्थन के लिए यहां पर खुद की पार्टी घोषित करनी पड़ेगी। जी देखिए, बाकायदा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में काफी समय से उद्धव वर्सेज शिंदे की लड़ाई चल रही थी, पार्टी के सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो दे दी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फ़ायदा मिल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल पाएगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। ऋतिक, चुनाव आयोग ने तो पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि शिंदे के समर्थन में फैसला सुना दिया, और संजय राउत ये कह रहे थे कि भाई करोड़ों रुपये की जो है वो डील तक हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई चुनाव चिन्ह है या पार्टी का सिंबल है वो सब शिंदे के साथ आना चाहिए। तो
एक बची कुची उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। राउत बड़े तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से वो राहत मिल पाएगी या उम्मीद है उस तरह की? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे जहां तक लगता है, मेरा निजी विचार है कि जैसा चुनाव आयोग ने सुनाया उसी तरीके का आएगा, यानी कि चुनाव आयोग के फैसले को यहां पर सुप्रीम कोर्ट कैसे खारिज कर सकता है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो तमाम विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगेंगी कि यहां पर भैया सच में खरीद फरोख हुई होगी, सच में यहां पर चुनाव आयोग तो खरीद लिया होगा, ये तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष फैसला सुनाएगा, निष्पक्ष जो है अपनी बात को रखेगा, और चुनाव आयोग का भी फैसला यहां पर उद्धव ठाकरे को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम एजेंसियों पर सवाल खड़े करना यानी कि खुद पर सवाल खड़े करना है। और संजय राउत ने जो बात कही थी कि संजय राउत जेल से बाहर आए हैं, और जेल से आने की बात कहीं ना कहीं यहां पर देखा जा सकता है कि वो बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। तो यहां पर संजय राउत का वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे राहुल सर जहां तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, उद्धव ठाकरे जो भी दलील पेश कर रहे हैं, जो भी याचिका उन्होंने दायर की है, वो फैसला भी निष्पक्ष आएगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे के खेमे में जाए या फिर उद्धव के खेमे में। जी देखिए, बाकायदा अगर हम बात करें, एकनाथ शिंदे जब देखिए शिवसेना के साथ थे तो वो ये कस्में खाते थे कि भाई शिवसेना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उद्धव ठाकरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता क्या ना करवाए, लालच क्या ना करवाए, लालच के लिए नेता अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर ले, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, क्योंकि लालच एक बड़ी वजह है। उपेंद्र कुशवाहा की नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ बढ़ रही है। मुद्दे पर वापस चले आते हैं, मुद्दा हमारा महाराष्ट्र को लेकर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे तमाम तरह की कस्में खा रहे थे, या जिस तरीके से वो कह रहे थे कि भाई वो उद्धव का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ दिया, क्या वाकई लालच एक बहुत बड़ी बात है, सत्ता एक बहुत बड़ी बात है? लेकिन ऋतिक, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि भाई बाला साहब ठाकरे की असली जो संतान है वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, पार्टी का चुनाव चिन्ह सिंबल सब उन्हें मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे को शिवसेना का, लेकिन किस वजह से ये मिल रहा है एकनाथ शिंदे को, या किस वजह से अध्यक्ष बनाया गया, और बीजेपी का इसमें कितना बड़ा? चुनाव आयोग का अपना फैसला है, और चुनाव आयोग ने तमाम चीज़ों को समझा, पढ़ा, देखा और सबूतों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना फैसला सुनाया है। और बाला साहेब का जो आपने जिक्र, हाँ ठाकरे का जो आपने जिक्र किया है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि आपने उनकी विचारों को बेचा है, आपने उनकी विचारों को जो है फेंकने का काम, इस तरीके के उनके कॉमेंट भी आए हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर तो ये फैसला भी आ चुका है कि जो मातोश्वरी का जो एक उनका भवन है, दरवाज़ा जो है नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी एकनाथ शिंदे का हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर राहुल सर, एक और चीज निकल कर आती है कि यहां पर जो संपत्ति है, शायद लगभग 338 या 340 करोड़ की संपत्ति जो बताई जा रही है, वो भी एकनाथ शिंदे को मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लगे हैं, उद्धव ठाकरे को अपने आप को समझाने में, सुलझाने में और खुद को फिर से खड़ा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि अब तमाम मुद्दों को छोड़ते हुए एकनाथ शिंदे को क्या मिला, चुनाव आयोग का क्या फैसला रहा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इस लड़ाई से आप हटते हुए कहीं ना कहीं ये ध्यान दीजिए कि अब हम पार्टी क्या बना सकते हैं। और जो एक धमकी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने धमकी दी है कि मैं इस फैसले से जो है खुश नहीं हूँ, अगर आप में दम है, अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप मैदान में आइए, आप सड़क पर आइए, चुनाव लड़कर दिखाइए, चुनाव में ये तय हो जाएगा कौन असली हकदार है, कौन नकली हकदार है, जीत तय कर देगी, जनता तय कर देगी। हालांकि उद्धव ठाकरे के समर्थक ने नारे भी लगाए उद्धव ठाकरे की जय, इस तरीके की आपने वीडियो भी देखा होगा। तो राहुल सर, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती कि उद्धव ठाकरे को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है और एक नई पार्टी को निर्माण करने की जरूरत है इस समय। तो जी देखिए, लगातार अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरीके से लग रहा है कि शिंदे वर्सेस उद्धव की लड़ाई में शिंदे वाकई उद्धव पर भारी पड़ते नजर आए, और शिंदे की एक बड़ी जीत हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।